सभी भक्तजनों को सबका नमन। तो आज मैं आपको ब्रह्मचर्य मुद्रा बतलाने जा रहा हूँ। यह ब्रह्मचर्य मुद्रा उनके लिए बहुत ही आवश्यक है जो योग ध्यान साधना करना चाहते हैं या जो आध्यात्मिक क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो वह ब्रह्मचर्य मुद्रा बहुत ही उनको सुख देता है, उनकी कुंडलिनी शक्ति को जागृत करता है, ऊर्ध्वगमन कराता है। अब इस मुद्रा को करने के लिए आप प्रातःकाल सायंकाल दोनों ही समय चुन सकते हैं। यहाँ पर अथवा से भी मतलब है और दोनों को साथ साथ करने से भी मतलब है। अगर दोनों को साथ साथ करेंगे, करने का मतलब है कि सुबह और शाम दोनों समय करेंगे तो बहुत ही फलदायी होगा, लेकिन एक समय भी करेंगे तो ठीक है, थोड़ा फल कम हो जाएगा। अगर आप शौच क्रिया से निवृत्त हो लिए हैं तो आप करने के योग्य हैं, और कंबल और दरी बिछा करके खुले स्थान पर करेंगे और ढीले ढाले कपड़े पहनेंगे, ज़्यादा तंग कपड़े नहीं पहनने हैं। यह हस्त मुद्रा है, लेकिन इसके साथ साथ आपको ये ब्रह्मचर्य आसन भी करना है। आने ब्रह्मचर्य आसन करते हुए इसको किया जाता है। खाली हस्त की मुद्रा लगा देंगे तो उसी से सोचेंगे कि हमको पूरा लाभ हो जाए, तो ऐसा नहीं होगा। और इसके साथ साथ आपको बंध भी लगाने पड़ते हैं, आपको मूल बंध लगाने पड़ेंगे। मूल बंध लगाते हुए इसे करना है और श्वास पर आपको ध्यान देना है। श्वास प्रश्वास आपकी थोड़ी धीमी हो जाएगी, लेकिन आपको ध्यान वहाँ रहेगा, अर्थात हर सांस जो आ रही है जा रही है उस पर आपका ध्यान होना चाहिए, फोकस होना चाहिए। एक भी सांस ऐसी नहीं होनी चाहिए जो कि आपकी जानकारी से छूट जाए, आपके अनुभूति से छूट जाए, ऐसी एक भी सांस नहीं होनी चाहिए। और मल द्वार को और मूत्र द्वार को आपको सिकोड़ लेना है अंदर की ओर। आप मूल बंध की क्रिया जो है वो दूसरे वीडियो में देख सकते हैं, यहाँ पर मैं विस्तार से नहीं बताऊँगा, यहाँ ब्रह्मचर्य मुद्रा को ही बतलाऊँगा। तो ब्रह्मचर्य मुद्रा के लिए आपको ब्रह्मचर्य आसन को करना होगा। वह काफ़ी कठिन आसन है, जो उस आसन को नहीं कर पाते हैं उनके लिए यह है कि वे कम से कम सिद्धासन में या पद्मासन में बैठ जाए, और जो कर सकते हैं ब्रह्मचर्य आसन तो उसमें ही करेंगे। विधान तो उसी का है, ब्रह्मचर्य आसन में ही बैठ करके ब्रह्मचर्य मुद्रा को किया जाता है। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ, आपको एक ब्रह्मचर्य आसन, वैसे आप जा करके मैंने आसन जो बताया है उसमें भी आप जा करके देख सकते हैं, फिर भी यहाँ क्योंकि वह मुद्रा उसी में किया जाता है इसलिए बता रहा हूँ। आपको अपनी एड़ी पर बैठना है और वह जो है पंजे पर होना चाहिए, और एक पैर को आपको जांघ के ऊपर रख देना है, यानी एक तरह से आपको अर्ध पद्मासन हो जाएगा, उस तरह से उसको करेंगे। और हाथ को देख लीजिए, जो पांचों उंगलियां हैं तो इसमें आप ये जो उंगलियां हैं
इनको इस तरह से अंगूठे से आप दबा देते हैं और यह उंगली फ्री हो जाएगी और इससे आप इन लोगों को आप दबा देंगे। इसे एक विधि से और किया जाता है, उसमें इस उंगली को ही दबा दिया जाता है ऐसे। यह और ज़्यादा प्रभावित होता है, लेकिन ज़्यादा लोकप्रिय यही है। यह और ज़्यादा प्रभावी है, यह देखा गया है। यह जो उंगली है यानी अंगूठा, यह जो है शुक्र का प्रतिनिधित्व करता है और शुक्र जो है वह काम वास्ता से संबंधित है, तो इसको दबा देने से काम वास्ता का समन हो जाता है। तो यह काम समन मुद्रा भी कहलाता है, लेकिन क्योंकि जब हम ब्रह्मचर्य आसन कर रहे हैं तो काम को दबाना नहीं है बल्कि काम को रूपांतरित करना है, तो उस अर्थ में इसको ऊपर रखा जाता है। यानी यह दबा हुआ भी है लेकिन पूरा दबा हुआ नहीं है, यह रूपांतरित करेगा। तो यह ब्रह्मचर्य मुद्रा बन जाता है। अब इसको आपको ब्रह्मचर्य आसन में करना है और मूल बंद लगा के करना है। तो देख लीजिए, जैसे मैं दायां पैर ये एड़ी के ऊपर बैठ गया हूँ, आप इधर पीछे से भी देख सकते हैं। इस तरह से पंजे को कर लेंगे और इस पर बैठेंगे और ये ध्यान रहे कि घुटना जो है जमीन पर नहीं टिकना चाहिए, ऐसा नहीं हो जाना चाहिए, घुटना ऊपर रहना चाहिए। इसीलिए कठिन हो जाता है। घुटना अगर जमीन पर कर दिया जाए तो आसान हो जाता है, लेकिन जो ऐसा नहीं कर सकते हैं, उठा नहीं सकते हैं, तो उन वो इस तरह से कर सकते हैं तो कुछ थोड़ा बहुत लाभ हो जाएगा, लेकिन वास्तविक लाभ नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए आपको पंजे पर ही बैठना है, एड़ी पर बैठना है पंजे के सहारे से, और इसको यहाँ पर रख लेना है, एक पैर को रख लिया। अब आपको क्या करना है कि पहले बैलेंस कर देना है, एक जगह नज़र टिकानी है, जब नज़र एक स्थिर हो जाती है आपकी, तब जो है आपको बैठ जाना है। आपको सिकोड़ लेना है, ये ध्यान रखना है। आप कुछ सेकंड करते हो, 10 सेकंड 20 सेकंड जितना कर सकते हैं, धीरे धीरे आपको बढ़ते जाना है। 15 मिनट तक आपको कम से कम कर लेना है, उसके आगे आप जितना कर सकते हैं। तो शुरुआत में आप कुछ सेकंड भी भले करें, धीरे धीरे 1 मिनट तक पहुँचे और इसका प्रभाव बहुत है। तो इसमें पैर भी बदल देना है, जैसे दाएँ पैर में कर दिए, उसके बाद फिर जो है जब आप एक से कर लेते हैं तो फिर दूसरे पैर से कर लेंगे, इस तरह से दूसरे पैर पर भी चढ़ा लेंगे। कठिन आसन है, लेकिन इस ब्रह्मचर्य आसन में ही आपको इसको करना चाहिए और धीरे धीरे अगर एक एक मिनट करके ब्रेक कर करके भी आप कर सकते हैं। जैसे 1 मिनट में थक गए या 30 सेकंड में थक गए, फिर सुस्ता करके कीजिए, इस तरह से करके भी आपको 15 मिनट तक आपको ले जाना चाहिए। इसमें इतना ही। हरिओम।